भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां चूहों को बड़े प्यार से पाला जाता है और भक्त उनके जूठन को प्रसाद के रूप में खाते हैं। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर को करणी माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे चूहों वाला मंदिर या मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई बदबू नहीं आती, न ही इन चूहों की वजह से कोई बीमारी फैलती है। यहाँ चूहों का जूठा प्रसाद खाने के बाद भी कोई बीमार नहीं होता। भक्तों का मानना है कि करणी देवी माँ जगदम्बा की अवतार थी, जिनका जन्म साल 1387 में हुआ था। इनका असली नाम रिघुबाई था, लेकिन शादी के बाद इनका मन गृहस्थ जीवन से उचट गया और ये पूजा पाठ में लग गई। लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी, उसी स्थान पर बना है ये भव्य मंदिर। माता करणी की वो गुफा आज भी मंदिर में मौजूद है। करणी देवी के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी मूर्ति इस गुफा में स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। इस मंदिर के अंदर असंख्य चूहे हैं। इनकी असंख्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों को पैर घसीटने हुए जाना पड़ता है। अगर आप पैर उठाने की कोशिश करते हैं तो चूहों को चोट लग सकती है, जिसे अशुभ माना जाता है। इस मंदिर के चूहों की एक और विशेषता है कि सुबह और शाम की आरती के वक्त अधिकांश चूहे बाहर आ जाते हैं और माता पर चढ़ाए प्रसाद को पहले खाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।